दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में देने जा रहा हूँ, जिसमें देखिएगा केरला गवर्नमेंट ने एक तरीके से आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं। जिस टाइम पर देखिएगा कोविड हुआ था, सेम सिचुएशन आपको देखने को मिली थी। और पहली बार देखिएगा अब जो कंडीशन है, वो पहली बार सिम्टम इतने हाई हैं, यानी कि जो अब की बार जो इंडिया में केस मिला है वो फास्ट स्प्रेडिंग एम्पॉक्स का केस है। मतलब जो बहुत तेज़ी से फैलता है, जो एक्चुअल में साउथ अफ्रीका में या फिर देखेगा जो अफ्रीकन नेशन में होता है वो उसमें देखने को मिलता है, वही सेम यहाँ पे देखेगा डिटेक्ट हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन। तो इसमें देखिएगा जो केरला जहाँ पे ये पर्टिकुलर डिटेक्ट हुआ है, ये पर्टिकुलर देखिएगा इमरजेंसी आई है, तो वो स्टेट तो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे हो चुका है। यानी कि पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे हैं, उसी तरीके के आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अब केरला में देखिएगा और जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट में ये पर्टिकुलर पेशेंट गया होगा, उन सबको भी धीरे धीरे आइसोलेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये कहाँ से आ रहे थे ये भी आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और अगर आप देखेंगे तो ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी एक स्टेप आगे हो गई है। फर्स्ट केस जो देखिएगा वायरलेंटेड जो एम्पॉक्स वायरस स्ट्रेन है उसका पाया गया है, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियली ने पूरी तरीके से बता दिया है। और ये इंडिया जैसी मोस्ट वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेशन जिसकी है, जिस पर्टिकुलर कंट्री की है, वहाँ पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। तो सिंगापुर ने भी देखिएगा हाई अलर्ट पे कर दिया है, और देखिएगा चाइना ने भी हाई अलर्ट पे कर दिया है। जो भी इंडियन ट्रैवलर वहाँ पे आ रहे हैं, स्क्रीनिंग बहुत हाई कर दी गई है। और जो ये पेशेंट था वो केरला का था, पॉजिटिव पाया गया, और फॉर द क्लेड ऑफ आईबी स्ट्रेन। तो आप समझ सकते हैं ये एकदम प्योर देखिएगा जो आपको अफ्रीकन नेशन में एम्पॉक्स का पेशेंट मिलता है, वो प्योर पेशेंट आपको पहला इंडिया में मिला है। हु आस्क नॉट टू बी आइडेंटिफाई एज इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन रिलीज फॉर्मली बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। और अगर आप देखेंगे द म्यूटेंट स्ट्रेन वॉज डिटेक्टेड इन अ 38 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम केरला, आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट, हु हैड रिसेंटली ट्रैवल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई से ये ट्रैवल होके आ रहे थे। और लोकल न्यूज राइट रिपोर्टेड ऑन मंडे थाईलैंड वॉज द फर्स्ट इन एशिया टू डिटेक्ट द न्यू फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन लास्ट मंथ। तो आप देख सकते हैं थाईलैंड में इंडियंस बहुत जाते हैं, आसपास की नेशन में देखेगा जितने भी टूर एंड ट्रैवलिंग देखेगा जो कंट्री हैं वहाँ से भी देखेगा, अफ्रीका से आया था मेल, अराइव्ड हुआ था बैंकॉक में, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो आप समझ रहे हो ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये जितने भी पेशेंट हैं वो कांटेक्ट में तो लोगों के आए होंगे। अब ये देखना है कि ये यहाँ से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर 10 से 15 केसेस भी बढ़ते हैं तो ये फिर एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी इंडिया जैसी कंट्री में। एशिया में देखिएगा चाइना पाकिस्तान पूरी तरीके से सर्वेलांस पे हैं, कई हफ्तों से सर्वेलांस पे हैं। सिंगापुर पूरी तरीके से देखेगा विजुअल स्क्रीनिंग कर रहा है, हर तरीके से देखेगा क्वारंटीन कर रहा है, जैसे क्वारंटीन पहले किया गया था सबको वैसे क्वारंटीन कर रहा है। यानी कि कोई भी डिटेक्ट होता है सेम सिम्टम का, 3-4 सिम्टम सेम होते हैं, उसको क्वारंटीन कर लिया जाता है, फिर वो सही हो जाता है तब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है टेस्ट के बाद। तो आप समझ रहे हो सेम सिचुएशन वैसी बन रही है जैसे पहले बन चुकी हैं। आप देख सकते हो हर जगह पे हिंदुस्तान टाइम्स में मिल जाएगा, ये WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे केरला में पूरी तरीके से आउटब्रेक की इम्पॉर्टेंट रिलीज़ हो चुकी है, गवर्नमेंट ने तुरंत देखिएगा आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं, हाई अलर्ट पे कर दिया है पूरे स्टेट को। तो कोई भी अगर आपको पता है ये केसेस 10 से 15 होते हैं देन इट विल इम्पैक्ट टू द स्टॉक मार्केट। तो ये आप देखते रहिएगा, जब भी 10-15 केसेस हो जाएंगे तब आपको ये लगना है कि यहाँ पे अब ये सीरियस थोड़ा सा सिचुएशन हो सकती है। और हल्की सी एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चूँकि मार्केट बहुत हाई पर है तो स्टॉक में मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बी अलर्ट। राम राम।